हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का साइंस के सेकंड चैप्टर का न्यू टॉपिक, दैट इज़ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। कैसे हम एक मिक्सचर से, जो आपका अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनता है, कैसे हम उस मिक्सचर से उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ज़रूरत क्या है मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करने की? तो इसका आंसर है, आपके नेचर में जो भी सब्सटेंस मिलते हैं मोस्टली सब इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, मोस्टली सब मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। तो सेपरेशन से क्या होगा, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका नेचर में सी वाटर मिलता है, जो सी वाटर में क्या होता है, आपका सॉल्ट और वाटर। तो जब हम इन्हें सेपरेट कर पाएंगे तभी हम सॉल्ट और वाटर की प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली स्टडी कर पाएंगे और सॉल्ट को हम फर्दर इंडिविजुअली यूज़ कर पाएंगे। अब जो हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं, जो टाइप ऑफ मिक्सचर है, हेट्रोजीनस में क्या होता है, पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वे कैन सी देम ईजीली। तो उन्हें तो हम सिंपल हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन की मेथड से यूज़ करके अलग कर सकते हैं। बट मोस्टली आपके जो मिक्सचर्स होंगे उनके लिए आपके और भी मेथड हैं अलग करने के लिए, जो इन वाले मेथड से अलग नहीं हो सकते, उनके लिए आपके दूसरे मेथड हैं जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैपोरेशन। वैपोरेशन किस चीज़ के अलग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ अ कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। जो इंक होती है उसमें है डाई आपका किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो हम आज सॉल्वेंट और डाई, जो सॉल्यूट है उसे सेपरेट करेंगे। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, इसमें एक एक्टिविटी लेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है। बीकर के ऊपर माउथ में एक वॉच ग्लास रखेंगे और वॉच ग्लास में कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डालेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग। आपको ध्यान रखना है, इंक को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली बीकर में जो वाटर है उसके थ्रू हीट कर रहे हैं। तो जब हम हीट करेंगे, जब आपका इसमें सॉल्वेंट का जो वाटर है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तो आपका धीरे धीरे जो वाटर है इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब सारा का सारा आपका वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको इस वॉच ग्लास में सिर्फ डाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक ऐसे सब्सटेंस को जो गैस में कन्वर्ट हो सकता है उसे अलग कर रहे हैं एक ऐसे कंपोनेंट से जो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इवेपोरेशन कब यूज़ कर सकते हैं हम, जब हमें सेपरेट करना हो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट को एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से। वॉलेटाइल कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट और वाटर को अलग करेंगे। यहाँ पे हमने सॉल्ट में वाटर ऐड कर दिया, पहले इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उसे हीट करने के लिए रख रहे हैं ताकि आपका सॉल्यूशन इजीली बन जाए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। धीरे धीरे आपका ये सारा का सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम आपका डिसॉल्व सॉल्ट को आपके वाटर से अलग करेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम कि आपका धीरे धीरे जो वाटर है, वाटर का अमाउंट कम होता जा रहा है, वो आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है और आपके बीकर में सिर्फ सॉल्ट ही रह जाएगा।
आप देख सकते हैं बीकर के अंदर सिर्फ सॉल्ट है, वाटर हमने निकाल दिया।